लो भाई <laughs> माने पिट लो की सब्जी बनाई है देर इज सम फैसिनेशन विद लौकी की सब्जी बिकॉज एवरी टाइम माई मॉम कुक लौकी की सब्जी ही वुड हैव सम काइंड ऑफ अमेजिंग एक्सप्लेनेशन फॉर इट एंड वन वाज ऑफ कोर्स हल्दी है यार ओके ऑल राइट हेल्दी क्या है हल्दी ये है कि हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं और अगले पाँच दस ग्यारह बारह जो भी है उतने

Uh, कुछ ज्यादा छोटा हो गया यू लेटमी हो यू लेटमी अगली बार हम ठीक करेंगे सुनते रहिए नॉट अप टू स्क्रैच दैट इज इन एडिकुएट इफ संबड़ी नॉट अप टू स्क्रैच इफ इफ दिस पीपीट इज नॉट अपू स्क्रैच इट मीन दिस इज सब पार दिस इज इन एडिकुएट वी आर नॉट एबल टू फॉलो बट आई होप वी आर एबल टू फॉलो ओरिजिन ओरिजिन कहां से है बॉस बॉक्सिंग से इन द अर्ली डेज ऑफ बॉक्सिंग देर वॉज नो बेल टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ अराउंड

क्रैच विच मीन सब पा रहे भाई डर रह गया आ जा दो दो हाथ कर ले नहीं मैं बिल्कुल नहीं करता भाई डरपुख आदमी हूं बता दिया दैट इज हाउ यू रिमेंबर नॉट अप टू स्क्रैच आई होप यूर ऑल अपू स्क्रैच नेक्स्ट वन कॉट रेड हैंडेड कॉट इन द एक्ट ऑल राइट आई होप कभी आप रंगे हाथों ना पकड़े जाए इतने स्मार्ट रहिएगा पकड़े गए गुरु तो समझ लेना फिर आया कहां से बुचरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो डोमेस्टिक uh, एनिमल्स है बट कुड ओनली बी प्रूफ वेन कॉट विद द डेड एनिमल एंड ब्लड ऑन जानवर को किसने मारा है ये प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक तरीका था जब वो ये काम कर रहा हो वेन ही वॉज बुचरिंग द लाइफ स्टॉक तब कोई उसको जाके पकड़ ले इसके अलावा कोई स्कोप नहीं था और अगर आपने तभी पकड़ लिया तो हाथ से सने रखा, और दिस वॉज कॉट रेड हैंडेड कॉट इन द एक्ट या गंदा दिमाग सही रखो कॉट रेड हैंडेड नेक्स्ट वन बैरी द हैश यार वो छोटी सी पुराली होती थी उसको आपने ग्राउंड में बैरी कर दिया दफन कर दिया क्या किया मेक पीस विद द एनिमी जो आपका दुश्मन था उसको आपने गले लगा लिया गले लगा लिया आ गले लग जा ये पिक्चर है आ गले लग जा देखी तो नहीं मैंने इसका गाना है आ गले लग जा भैया अजीब सा गाना है उसमें दोनों सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं वो एक के ऊपर ऐसे कोई टेढ़ा लगा रहे हैं दूसरा उसपे ऐसे टेक लगा ले रहा है गाना देखना मूवी मत देखना भाई दबे देखे बता सकता हूं मजा नहीं आएगा मेक पीस विद द एनिमी दुश्मन को दोस्त बना लिया दैट इज यू आया आई थिंक इट वॉज इंडियन अमेरिकन राइट सम नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स डिक्लेयर पीस बाय लिटरली Tomahawk, 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 tomahawk अपनी अपनी छोटी वाली उसको गड्ढा खोद के दफन कर देते थे एंड दैट वॉज अ साइन देट वॉज अ सिंबोलिज्म कि भाई आज से हम लोग दुश्मन नहीं है कोई धोखा दे दे बात अलग है वो अलग बात है बट सिंबिकली हमने घोषित कर दिया कि हम लोग दुश्मन नहीं है आज सेपन Those or And I have said, I have a They will have a berry. They a berry. Next one Spring chicken. Okay, Spring chicken. Young. If you are running around like Spring chicken, you are young. Alright. I am not young, but I do try to be the Spring chicken. Those kaha se Before warm hen houses, chicks could not be raised during winters, and Spring chicks used to bring the best premium. अभी तो क्या है ना कि जो पोल्ट्री का जो फार्मिंग है अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है साइंस बहुत आगे चला गया है यू कैन आप कह सकते हैं यू कैन डू दैट फार्मिंग राउंड द ईयर रिगार्डलेस कैसा मौसम है पहले क्या था जाड़े में तो चूजा बचेगा नहीं मेरे भाई तो काम काम के मर जाएगा ठीक है तो क्या करते थे उस समय जो चिकन पैदा होते थे स्प्रिंग में वो सबसे महंगे होते थे क्योंकि एज इट इज आप तो कॉमर्स के धाकड़ स्टूडेंट्स हो काफी सारे आपको पता होगा सप्लाई व्हेन इट इज लेस डिमांड द प्राइस गोज अप एक्सेप्ट सम पैराडॉक्स गिफिन गुड्स कुछ पढ़ा होगा आपने अदरवाइज क्या है ना सप्लाई कम डिमांड ज्यादा दाम बढ़ा दे तो वही होता था जब चूजे कम है तो दाम ज्यादा होता था तो स्प्रिंग चिकन इज द यंग वन नेक्स्ट वन हैव एन एक्स टू ग्राइंड यार ये एक्स पहले भी आया था यह मेरे से बोला नहीं आता है बट एनी वे एक आई होप आई एम राइट है एजेंडा है इनका हैविंग अडन एजेंडा अगर किसी के पास कोई हिडन एजेंडा है मतलब वो कुछ कह रहा है लेकिन अल्टीमेटली उसका एम कुछ और है तो ही हैव एन एक्स टू ग्राइंड यह मुझे पता है बेंजामिन फ्रेंकलिंग की स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है बेटा पता नहीं हमको लेकिन क्या था एक बच्चा था उसने एक मशीन बनाया जिसपे आप जो है किसी भी आ, जैसे चाकू हुआ या एक सुई उसको धार दे सकते थे तो वो बच्चा दिखा रहा था बगल से नेबर निकला बड़ा उसने बोला क्या कर रहा है तो बोला ये है देखो ऐसा ऐसा डेमो दिया उसने इन बच्चे को स्कूल जाना था तो ये भाई साहब ने उन्होंने क्या किया ना इन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे मान ले मेरी एक से इसको शार्प करके कर दिखाओ तो बच्चे ने बड़ी मेहनत से पसीना पसीना होकर उसकी एक को घिस किया और जैसे ही शाप किया उसने बोला है ये क्या बकवास और अपनी इस लिखे चला गया बेसिकली वो मशीन चेक नहीं करना चाह रहा था वॉज वेरी श्योर ये काम करती है छुड़वा तो दिया यार यहां से निकला हैविंग एन एग्स टू ग्राइंड टू हैव अडन एजेंडा बाई द वे आई एम फीलिंग कोल्ड आई जस्ट टेक अ सेकेंड टू स्विच ऑफ दिस एयर कंडीशनर ओह

हैम एक्टर्स एक और यार याद आया है तो याद है मैं बता देता हूं कि पता नहीं आगे फिर कब याद आए दैट इज हां प्लेइंग टू द गैलरी इसका बेटा पता करना और बताना ये भी थिएटर का है ऑल राइट आई एम बेटी श्योर विल फाइंड इट आउट इन टेन सेकंड एनी वे वी मूव हिट विथ Oops, a mistake. I think so. We were at this. Bury the hashet, we have done, spring chicken. We have done. We have an to grind, we have done, and here we go. Here we go. <laughs> current page. Alright. Hanji. हाँ, एक 100 ग्राइंड हो गई है इसके बाद हैम एक्टिंग भी हो गई है और उसके बाद आता है हमारा विपिंग बॉय स्केपगोट गुड बली का यार ये भी अजीब था मतलब इंसान अजीब ही रहा है बाय द वे तभी ये सब सामने आ रहे हैं क्या हुआ है यूरोपियन प्रिंसेस द प्रिंसेस जैसे आप में से कुछ लोग वैसे होंगे वर रेस्ड विथ कॉमनर हु वुड बी बीटन वेन एवर द प्रिंस डिड समथिंग रॉन्ग और राजकुमार उल्लू का पट्टा वो कुछ कर रहा है गड़बड़ पिटाई बेचारे इसकी हो रही है क्योंकि राजकुमार को तो कैसे कोई पनिशमेंट देगा तो उनके साथ एक बेचारा कॉमनर जाता था धुलाई खाने के लिए तो राजकुमार कर रहे है, कुछ हैं कुछ उल्टी सी हरकतें पिट कौन रहे गोड कौन है ये विपिंग बॉय विप पचा पचापाट जो भी आवाज आती है यार विपिंग की पता नहीं बट वो है चाबुक पड़ रही है उसको ही इज बिंग विप्ड अजीब है ना है हम सब अजीब है यार क्या किया जाए नेक्स्ट ये क्या यार वेन यू एंड योअर बेस्ट फ्रेंड सी समू डोंट लाइक बड़ा मुश्किल होता है करना। When you see somebody you don't like, कितना ही मुस्कुराएगा आदमी यार वैसे भी कितना ही मुस्कुराएगा आदमी एनी anyway, वे है क्या यहां पर ये गो बसुर्क गो क्रेजी और टू एक्ट विध रेकलेस अबेंडन यू गो बुस बेसिकली होता है कि आदमी बिल्कुल पागलमन के दौरे पर आ गया वो वायलेंट हो गया है और हो सकता है बस यहां वहां दौड़ भाग कुछ भी कर सकता है दैट इज गोइंग बसअ बना कैसे वाइकिंग से ही बना यार इसलिए मैंने रखा है यहां पे वाइकिंग वॉरियर वेयरिंग बेस्किन ये वाइकिंग वॉरियर्स थे ना यार दे 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 वर काइंड ऑफ नोन फॉर देयर वायलेंट एक्ट्स ओ एक कोई ड्रिंक ब्रिंक पी लिया ना उसके बाद तो बस गाड़ी तेरा भाई चलाएगा आज तो गाड़ियां होती नहीं थी तो तलवार चला रहे थे ये लोग ओके दे यूज्ड टू वेयर द स्किन व्हिच वाज लाइक बेअसाक तो वहां से निकला गोइंग बसर्क कैसे निकला पता नहीं यार याद मैंने ऐसे रखा हुआ है गोइंग बसर्क गो क्रेजी और टू एक्ट विद रेकलेस अबैंडन बिना अबैंड होशोहवास के बिना किसी केयर के नॉट द वर्ल्ड टाइप्स भिड़ा पड़ा हुआ है लगा पड़ा लो बेसिकली क्या हो रहा है ना पागल हो चुका है दैट्स इट वायलेंट है दैट इज गोइंग बसर्क जैसे समटाइम्स आप देखते हो कि मॉब अ मॉब वेंट बसर्क मतलब Mob ने जो है वो बिल्कुल वायलेंस क्रिएट कर दिया तोड़फोड़ मचा दी नेक्स्ट वन बीट अराउंड द जैसे कि हम और आप करते हैं सीधी बात बोलते नहीं है घुमा फिरा के बात कर रहा है वो क्या कर रहा है गो डायरेक्टली सीधे नहीं डील करेगा क्या कर रहा है गोल सीधा पॉइंट बस सीधे पॉइंट पे तो नहीं आते हम लोग अपन लोग चक्कर 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 ओवर अ बुश एंड बीट द ग्राउंड अराउंड इट टू स्के बर्ड्स इन टू फ्लाइंग इन टू द नेट मेरे ख्याल से झाड़ियों के ऊपर एक नेट डाल दिया तो उसमें बर्ड छुपी हुई है फिर उनके आस पास सेना शुरू किया तो डर के वो उड़ती होंगी और उड़ती होंगी और नेट में फंस जाती होंगी कभी आप दूरदर्शन का वो देखेगा एक दाना अनेक दाना चिड़िया चुगने बैठी ने दाना दाना चुगने बैठी चिड़िया फिर शिकारी आ गया था फिर वो वो बड़ी अच्छी स्टोरी है यार शिकारी आया उसने जाल डाला तो चिड़ियों ने एक साथ उड़ के जाल को उड़ा ले गई अपने साथ कुछ है स्टोरी अच्छा सॉन्ग था यार दूरदर्शन पे आता था इट वॉज एन एनिमेटेड काइंड ऑफ सॉन्ग एंड जितना अच्छा एनिमेशन अच्छा 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 हो सकता था उस टाइम पे उतना और जितना अच्छा दूरदर्शन से हो सकता था भाई उतना अच्छा किया था उन्होंने भाई दबे एक दाना अनेक दाना देखना यार इसको एनी वे बीट उंड बुश सीधे पॉइंट पे आना यार क्या घुमा फिरा के बात कर रहा है जो आप कहना चाहते हैं नेक्स्ट वन हील किसी की वीकनेस मैथ है किसी की वीकनेस अकाउंट्स है किसी की वीकनेस इंग्लिश है किसी की वीकनेस weakness... तुम मेरी कमजोरी हो यास इन एन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पर्सन मजबूत आदमी था यार अकलीज बस क्या था ना हील से मात खा गया क्या है जिकल स्टोरी क्या है लेट सी इट एटलीस्ट वॉज डिप्ट इन द रिवर फाइक्स वेक हिम इनबल हर बार एनी वे anyway, क्या बना बच्चे को ऐसे पकड़ा और नदी में डूबा तो पूरी बॉडी तो डूब गई तो वो तो फौलाद हो गया लेकिन पकड़ा था तो पैर बाहर रह गए जब पैर बाहर रह गए तो हिल बाहर रह गई तो अल्टीमेटली उसको मारा था तीर हील पे जैसे समटाइम्स समटाइम्स क्या इन सिमिलर वे जो हमारे दुर्योधन सर थे ये पूरा फौलाद थे बस थाईस कमजोर थी तो वहीं पे पड़ा उनको स्ट्रेट ड्राइव और चले गए सब चले गए सब चले गए एंड दिस वाज एक्लीज हील और हम भी चलते हैं अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा विच इज अनदर मुहावरा फ्रॉम हिंदी क्या बात है इडियन फ्रेजेस बेटा दस पहले दस आज रिवाइज 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 कहानियां 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 कुछ सच्ची कुछ झूठी कुछ अच्छी कुछ खराब लेकिन कहानियां होनी चाहिए आपके पास मेरी उम्र में आके क्या सुनाओगे क्या किया था कहानियां चिल देन लगे रहियो दोस्त छोड़ने का नहीं बाय